फरमाइए कहां पर दिक्कत है ना। चलिए आज हम लोग फिर ट्रेन स्टार्ट कर लेते हैं, तो ट्रेन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना होमवर्क कर लूं, क्योंकि जस्ट मैं लेक्चर लेने वाला था उसी टाइम पे न्यूज़ आ गई सीजन रिजल्ट की, तो फिर वहां पे रिजल्ट को अनाउंस करने लग गया। तो फिर आपका जो होमवर्क होता है ना, होमवर्क मतलब जो क्या नाम बोलते इसको, थोड़ा सा एक काम करूँ और वीडियो ये हो गया अधर्शिला टाइम स्पीड डिस्टेंस। ट्रेन सुरंग में इंटर की क्रॉसिंग स्टार्ट हुई है नहीं,
अब ये क्रॉसिंग कब तक चलेगी? बोलिए ट्रेन चलती रही ये ट्रेन जब तक। इसका लास्ट पॉइंट इसे सुरंग के स्टार्टिंग फेज पे नहीं आ जाएगा, जब तक इसका लास्ट पॉइंट इसके स्टार्टिंग फेज पे नहीं आ जाएगा। ये ट्रेन का आखिरी पॉइंट है, ये ट्रेन का इंजन है, ये ऐसे जा रही थी सुरंग में एंट्री, ओवरटेकिंग स्टार्ट। अब फिर बोले जब तक ट्रेन का आखिरी पॉइंट सुरंग के दूसरे वाले गेट पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक क्रॉसिंग कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही आखिरी पॉइंट पर पहुंचा क्रॉसिंग कंप्लीट। अब जरा ये बताओ कि इस क्रॉसिंग में डिस्टेंस कितनी आपने ट्रैवल की, तो आपको इंजन पहले यहां था, अब इंजन यहां पर पहुंच गया, तब जाके ओवरटेकिंग कंप्लीट किया। सुनो यहां तक यहां से स्टार्ट क्रॉसिंग और जब इंजन वहां पहुंच गया तब क्रॉसिंग कंप्लीट हुई। तो अब जरा ये बात बताओ कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो आपको ट्रेन ने 120 मीटर ये ट्रैवल किया और 80 मीटर ये 200 मीटर ट्रैवल किया। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, क्योंकि उस दूसरी ट्रेन में भी तो लंबाई होगी ना, प्रॉपर किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को या किसी शहर को, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जिसकी लंबाई को आप कैलकुलेट करो। अब यहां पे जरूर दो तीन चार नाम रहेंगे, बदलते भी रखो ना, कर सकते नहीं कर सकते। किसी स्टेडियम को क्रॉस कर दिया, अब बताया स्टेडियम बता दिया, स्टेडियम बदल नहीं पड़ेगा, पर स्टेडियम की चौड़ाई तो होगी ना, इसे क्रॉस कर दिया। ये सब तो वही चीज बता, आप क्लियर समझ में आती कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी लंबाई अगर हम जीरो कर सकते हैं तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और जिसकी लंबाई हम जीरो नहीं कर सकते हैं तो ट्रेन उन दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। बात समझ में आई या ना? बात क्लियर समझ में? अगर हमारे ऑब्जेक्ट की लंबाई हम जीरो कर सकते हैं तो डिस्टेंस ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ट्रैवल करेगी, और अगर ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ जीरो नहीं कर सकते तो दोनों की लंबाई के सम के बराबर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अब सवाल क्या, हम लोग रिलेटिव स्पीड पढ़ी चुके हैं, रिलेटिव स्पीड के आपको सिखाया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, अब ट्रेन वाले सीन में तो दो ऑब्जेक्ट ही रहेंगे, ये सुनो, ये तो आदमी क्रॉस करेंगे या ट्रेन क्रॉस करेंगे या पुल क्रॉस करेंगे, जो भी क्रॉस करेंगे ऑब्जेक्ट तो रहेंगे, पुल भी एक ऑब्जेक्ट है, ट्रेन भी एक ऑब्जेक्ट है, ये सुनो। अब यहां पर ऐसा सीन हो सकता है कि दूसरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टैंड बाय पे, जैसे पुल है तो पुल तो मूव नहीं कर सकता ना, जैसे प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म तो मूव नहीं कर सकते। अगर प्लेटफॉर्म मूव करे तो पता लगेगा कि अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन यहां से 4 किलोमीटर दूर है, अगले दिन अगर मैं यहां से ऊपर कर रहा हूं तो पता लगेगा 12 किलोमीटर दूर पहुंच गया रेलवे स्टेशन, पर वो तो मूव नहीं कर सकते, तो कुछ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टैंड बाय पे कुछ मूव कर रहे होंगे, जो भी रहेगा, बट सीन तो दो ऑब्जेक्ट है ना। आपको पहले बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट की बात चली होगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में लंबाई को जीरो कर सकते हैं तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ब्रैकेट में लिखना आदमी, माइलस्टोन, पोल, पेड़, इस तरीके की कोई भी चीज है। और दूसरा पॉइंट लिखना वहां पे कि अगर डिस्टेंस जो ट्रेन है वो किसी ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसकी लंबाई को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो दोनों की लंबाइयां जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ब्रैकेट में वहां पर लिखना कोई दूसरी ट्रेन, पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म, इस तरीके की चीज है। तो ये हो गया डिस्टेंस वाला कांसेप्ट। दूसरा बात कर रहे हैं हम स्पीड की, यहां पर रिलेटिव स्पीड वाला पता चलेगा, तो ऑब्जेक्ट है तो सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ेगी। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम स्पीड डिस्टेंस पे काम करें तो वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो आपके किलोमीटर पर आर पर कैलकुलेट हो रहे थे, जो भी आप क्वेश्चन लगा रहे थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन किलोमीटर पर आर पर कैलकुलेट हो रहे थे, तो वहां पर हमारा जो यूनिट रहता है किलोमीटर पर आर है मैक्सिमम। अब ऐसा नहीं कि मतलब वही रहेगा, सिचुएशन अकॉर्डिंग चीज होती है। ट्रेन में क्या रहता है, ट्रेन में मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम केसेस मतलब 100 सवाल है तो कम से कम 95-96 सवालों में आपका जो यूनिट रहेगा वो मीटर पर सेकंड रहेगा। तो अगर सवाल दिखाई पड़ रहा है तो आपको सीधा सीधा सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करना रहेगा, तो मीटर पर सेकंड 5 मिनट की हैबिट थोड़ी सी अच्छी बनेगी। आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड कैसे बनाते हैं, 5 मिनट 18 से मल्टीप्लाई करके। बोलो हां, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर इतनी सब चीजें जो मैंने 3-4 की बात आपको बताई, अगर ये सभी चीजें आपको प्रॉपर्ली क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बताओ सब चीजें क्लियरली समझ में? यस और नो? और आज
आज हम सारी चीजें ट्रेन को कवर कर लेते हैं पूरा, कितना सवाल है ट्रेन में, 27 सवाल है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर क्लास थोड़ी सी लेट तक चलाऊं मैं, अगर क्लास को थोड़ा सा लेट रखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो इसको कवर करके चलेंगे, जब तक जाएंगे तो फिर बंद कर देंगे, इनको एंजॉय कर रहे हैं तब पढ़ाई करेंगे। अब सवाल आते हैं कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, इस रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है और ये 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर, अब ये रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई खुद की 240 और प्लेटफॉर्म की 120 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, तो आपको डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, मतलब टोटल 360 मीटर ट्रैवल करेगी। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रही है, 360 मीटर। अच्छा टाइम कितना लगेगा, टाइम तो पूछा है, टाइम तो पूछा है, फॉर्मूला एक लगेगा, दूरी बराबर 4 गुना समय, दो चीजें दी जाएंगी तीसरी पूछेंगे, तो टाइम तो पूछा है, स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अब आपका सारा काम चलता है मीटर पर सेकंड, तो स्पीड आपको दे रखी है इन्होंने 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सबसे पहले तो इसका इलाज कर दो यार, ये हो जाएगा 72 × 5/18 मतलब 20 मीटर पर सेकंड, सबसे पहले वही इलाज कर लें क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड, तो आपकी स्पीड यहां से निकल के आ गई 20 मीटर पर सेकंड, अब तो लगेगा टाइम बराबर दूरी बटे चार, तो टाइम कितना लगेगा, तो आपको यहां से जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है दूरी बटे चार मतलब 18 और ये सेकंड में है, ऑप्शन समझ में आ गया, तो यही सब कॉन्सेप्ट लगेगा आपको, जितना स्पीड इसका ट्रेन टॉपिक है यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब अगर इतना समझ में आएगा, यहां तक पता है क्या चीज थी, मैंने आपको चार चीजें बताई, चार चीजें कौन कौन सी, तीन चीजें यूज कर चुके यहां तक आपको फील भले ना हुआ, लेकिन तीन चीजें उसमें यूज हो चुकी, कौन कौन सी, और सर पहली चीज डिस्टेंस वाला मेजरमेंट यूज हो चुका है कि दूरी कैसे नापना है, डिस्टेंस वाला चुका है, दूसरी चीज सर 5/18 / 5 बताया तो वो भी यूज हो चुका है, तीसरी चीज रिलेटिव स्पीड यूज हो चुकी है, अब चूंकि प्लेटफॉर्म है तो मूव नहीं करेगा, दैट मींस हमने सिर्फ ट्रेन की स्पीड ली, अगर प्लेटफॉर्म मूवेबल होता तो फिर रिलेटिव स्पीड अप्लाई कर देते, आप क्लियर समझ में, अगर ये तीन चीजें क्लियर हो चुकी तो फिर इन्हीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे कंपैरिजन पे, ठीक है, कंपैरिजन पे भी सवाल आपके सबसे ज्यादा पूछा जाता है ट्रेन टॉपिक से, तुम सब लोग आपका 100 मीटर लंबा है तो ट्रेन में कितनी होगी, बोले सर 100 मीटर लंबी, बात खत्म, ट्रेन की लंबाई तो निकली, कंपैरिजन है ये, आपने
क्या किया, आपने सिर्फ कंपेयर किया चीजों, आपने कहीं पर कोई फॉर्मूला रिलेटिव इसमें कुछ नहीं लगाया, आपने सिर्फ कंपेयर किया। पहली लाइन से आपने रिलेशन निकाला, बोले 15 सेकंड की लंबाई चलेगी। अगर यहां पर सपोज करो 25 सेकंड तक करते हो, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे 25 सेकंड तक करते हो, तो बोलते सर 25 में से 15 तो ट्रेन में चाहिए अपनी लंबाई के लिए और 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म के, तो अगर 10 सेकंड में अगर 100 मीटर ट्रैवल करें तो 15 सेकंड में 150 मीटर चलेगी। समझ में आ रहा कि कंपैरिजन कैसे होगा? अगर यहां पर मैंने बोला 25 सेकंड तक क्या होता है, सर 15 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई चलेगी और बचे हुए 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म ट्रैवल किया होगा, प्लेटफॉर्म क्या होगा, तो 10 सेकंड में अगर 100 मीटर जा रही है तो 15 सेकंड में 150 मीटर होगी, मतलब ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। लेकिन रहेगी ये चार चीजें ही, बात सभी को समझ में। इन चार के अलावा तुम्हें पांचवी चीज सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट वाले सवाल मिलेगा, और एक्सीडेंट वाले सवाल में कुछ ज्यादा नहीं होगा, डीप कंपैरिजन होगा, वहां पर भी आपको कंपैरिजन ही लगाना है, बट कंपैरिजन वहां पर थोड़ा सा डीप रहेगा, उसको हम लोग समझ लेंगे। लेकिन बाकी का जितना कुछ भी है सिर्फ यही पॉइंट लगेगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो आपने स्टार्टिंग के 10 मिनट खत्म कर दिया था, क्या करूं भाई, इतनी है मुझे ये बातें लंबी चौड़ी करने की आदत नहीं कि भाई आओ ये करो वो करो फलाने टाइप निकाल के, बस लॉजिक समझ लो बेटा ये है। अब आपको सवाल के अकॉर्डिंग यूज क्या करना है वो तुम लोग साथ सीखो, बात क्लियर समझ में, ठीक है? अब जितनी चीजें थी सारी हो चुकी हैं, तुम लोग फ्री हो प्रैक्टिस करने के लिए, कौन सा हो चुका है, योग्य आजो सवाल देखो, लंबी चौड़ी आना शुरू, 90 किलोमीटर स्पीड हमारी 25 मीटर जा रही है,
सेकंड में 25 मीटर जा रहे तो 100 मीटर जाने में कितना लगेगा? सर 8 सेकंड लगेगा। मतलब अगर हमने ये कम डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इतना टाइम हमें कम लगेगा। 72 सेकंड हमें लगना चाहिए था लेकिन हमने 100 मीटर कम ट्रैवल किया तो हमें 8 सेकंड कम लगेगा। और अगर 8 सेकंड कम लगेगा तो हमें एक्चुअल में टाइम लगा कितना? सर 64 सेकंड। ये भी इस सवाल का अप्रोच है। ऐसा कौन सा फर्स्ट पॉइंट बात समझ में नहीं? ये गलत प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड लग सकता है क्योंकि ब्रिज की लंबाई सेम है। नहीं, जब आप ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो, अच्छा पॉइंट उठाया, ऐसे पॉइंट उठाया तो जब तक उठाओगे नहीं हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ना। तो पॉइंट उठाते हो, एक पॉइंट पे 20 पॉइंट निकल जाते, जब आप उसको पिन कर देते तो हमें याद आता है। ये भी समझाना है, तू ज्यादा बेटर समझाता हूं। तो क्रॉस क्वेश्चन क्या करोगे? बढ़िया, तो इतना बड़ा प्रोडक्ट कांस्टेंट लगा सकते क्योंकि ब्रिज की लंबाई सेम है। नहीं लग सकते, रीजन बताओ। इसलिए लगा सकते कि जब हम ब्रिज क्रॉस करते हैं तो डिस्टेंस कितना लेते हैं? वो डिस्टेंस लेते हैं ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई। अब ब्रिज तो हमारा कांस्टेंट है, उतना ही बड़ा है, लेकिन ट्रेन की लंबाई घट रही है, ट्रेन की लंबाई घट रही है। तो यहां पे हमने क्या किया? यहां तक हम पहुंचे प्रोडक्ट कांस्टेंट की मदद से। बाहर पे कैसे पहुंचे? प्रोडक्ट कांस्टेंट की मदद से। लेकिन वहां पर एक चीज अपने दिमाग में रखी थी कि 72 सेकंड हमारी उसी ट्रेन के लिए है जो पहले लंबाई थी उसकी। लेकिन इन्होंने क्या बोला? लंबाई 100 मीटर घटाई, तो मैंने 100 मीटर इफेक्ट अप्लाई कर दिया। आंसर अगर ये 100 मीटर वाला चक्कर ना होता तो हमारा आंसर 72 था। प्रोडक्ट कांस्टेंट अप्लाई कर सकते थे लेकिन डायरेक्टली अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते। ये इफेक्ट इसलिए हमें दिखाना पड़ा क्योंकि जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है ब्रिज को ओवरटेक करने में, ब्रिज को क्रॉस करने में, वो डिस्टेंस कितना होता है? वो डिस्टेंस होता है ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। यहां ब्रिज की लंबाई तो सेम है बट ट्रेन की लंबाई बदल रही है, इसलिए ओवरऑल डिस्टेंस भी बदल गया। इसलिए प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। हमने अप्लाई किया, फिर इफेक्ट कैलकुलेट किया और फिर फाइनल आंसर पहुंचे। बताओ पता है सभी को? क्लियर? आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। तो सवाल को आप उस पैटर्न से भी लगा सकते हैं जिससे पहले दिखाया था और एक पैटर्न से लगा सकते हैं। ओके, अब इसी तरीके की खुराबाते तुमको सोचिए और मजा आता है। अभी जब मैं आईबी की क्लास ले रहा था, खुराबाते मुझे तो मुझे आइडिया पिक करके देते थे, ऐसे लगा सकते हैं। मजा आता तुमको पढ़ा के, जहां भी तुमने पढ़ाई करी ना, और तुम लोग भी तो ऐसे अभी स्पीड कांसेप्ट, तुम लोगों ने खुराबाते दिखाई थी। मैंने अभी स्पीड टाइम इंटरवल बताया, एलसीएम से बताया, फार्मूला बताया, एक चीज बताई, एक कोई सर एलिगेशन लगा सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दिस। हमें ऐसे ही बच्चे पढ़ाने में ढंग आता है जो उम्मीद करने में माहिर हो। तो अब यहां पे कंपैरिजन पे समझो, फिर कंपैरिजन समझो। एक रेलगाड़ी एक समान जाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार, तो इसका मतलब इस 17 सेकंड में क्या क्या होगा? आप लोग इस 17 सेकंड में प्लेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों होंगे, दूसरा क्या है? तो प्लेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों होंगे 17 सेकंड में, समझ समझिए। फिर क्या हुआ? बोले 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर रही है, तो इस 25 सेकंड में ट्रेन प्लस ब्रिज दोनों की लंबाई होगी। ये समझो, क्लियर? इस 17 सेकंड में ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, इस 25 सेकंड में ट्रेन प्लस ब्रिज, तो भाई ट्रेन की लंबाई तो दोनों जगह पर सेम है, कंपैरिजन कहां होगा? वैसे कंपैरिजन यहां उठाएगी, यहां पर 17 सेकंड है, यहां पर 25 सेकंड है, आखिरकार 8 मिनट एक्स्ट्रा लग कहां गए? 8 सेकंड एक्स्ट्रा लग कहां गए? वैसे 8 सेकंड जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो इसलिए लगे कि पहले आप प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे थे, अब आप ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ट्रेन की लंबाई नो डाउट दोनों जगह पर सेम है लेकिन प्लेटफॉर्म और ब्रिज डिफरेंट है, इसलिए टाइम लग गया। यहां पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लंबाई होगी इसलिए आपको एक्स्ट्रा टाइम लगा। मैंने कहा 8 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगा है, 8 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगा है, ये बताओ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी कवर की? आप उससे पहले 122 मीटर कर रहे थे, 210 मीटर कवर कर रहे हैं। ट्रेन की लंबाई प्लस 122, ट्रेन की लंबाई प्लस 210, तो कितना एक्स्ट्रा कवर किया आपने? आपको 88 मीटर एक्स्ट्रा कवर किया। ये 88 मीटर एक्स्ट्रा कवर करने के चक्कर में 8 सेकंड ज्यादा लग गए। ये सुनो, बात क्लियर समझ में आई? ये 88 मीटर जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना, इस लेंथ को कवर करने में 8 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए। इसका मतलब अगर 8 सेकंड में आपने 88 मीटर कवर किया है तो 1 सेकंड में कितना करोगे? तो 1 सेकंड में आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड कवर कर रहे होंगे। कितना कवर कर रहे होंगे? 11 मीटर पर सेकंड। निकले ट्रेन की स्पीड यार, ये कंपैरिजन है। बस समझ, हमने क्या कंपेयर किया? कितना एक्स्ट्रा लगा? बोले इतना एक्स्ट्रा। क्यों लगा? बोले इस वजह से लगा। बस ये कंपैरिजन। और ये सवाल आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप कोई भी एसएससी का प्रीवियस पेपर उठाओ, ट्रेन टॉपिक से सबसे ज्यादा इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। लंबे लंबे मैथड्स होते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ कंपैरिजन लगा के निकाल इस पीरियड। अब हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना है? 18.5 करना है, उसके लिए तो लोग हैबिचुअल हो गया। वहां पर तो मुझे लगता है कि कुछ समझाना है। 18.5 मतलब 3.6, मतलब 3.6 अगर करेंगे तो आ जाएगा 39.6 किलोमीटर पर किलो। कौन सा है? डी पार्ट। तो ये तो लास्ट वाला पार्ट है, तो छोटा, इस पर हम फोकस नहीं करते, ये तो स्टार्टिंग चीज है, ये तो बहुत पहले कंप्लीट कर चुके। मेरा मतलब यहां स्पीड तक पहुंचे, कहां से पहुंचे कंपैरिजन से? तुरंत पहुंचे डी पार्ट से। ठीक है, 8 सेकंड 88 मीटर, बस यही करना है, यही करना है। इसमें मैथड्स नहीं लगा रहा, टाइम प्लस ब्रिज वगैरह, ये तो मैं समझा नहीं। अगली बार से सीधा सीधा करूंगा, 8 सेकंड एक्स्ट्रा 88 मीटर एक्स्ट्रा, बस इस वजह से हुआ। अभी तो मैं समझा नहीं, कभी कंपैरिजन अच्छे से समझ। नेक्स्ट टाइम कभी मिला ना ऐसा सवाल, उसी डायरेक्ट चलेगा, 8 सेकंड एक्स्ट्रा लगा, क्यों लगा? 88 मीटर एक्स्ट्रा चले, बस ये करना है आगे। अच्छा, अब जो सवाल आएंगे आपके पास, वहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होगा। अभी आपने जितने सवाल लगाए ना, वहां पर सिंगल ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, अब जो सवाल आएंगे वहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। तो दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो किसी को कोई परेशानी ना, किसी की कोई परेशानी नहीं ना, दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। हम रिलेटिव स्पीड लगाएंगे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस घटा देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस जोड़ देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या स्टैंड बाय पे। बात समझ में आई सभी को? क्लियर, चल सकते ना? चलो, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जारी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है और उसी चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। इन्होंने दोनों की लंबाई आपसे पूछी है। हां, बस सिंपल है, तो कोई नई चीज हो तो तुम्हें अलग से पढ़ाई जाए, ये सारी चीजें तो वही है, तो पता नहीं तुम क्यों पढ़ रहे हो। देखो पढ़ो, इन्होंने कहा अरे आदमी पर बात कर लो, ट्रेन की लंबाई बता दे, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि आप ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों पर ट्रैवल कर रहे हो। इस 12 सेकंड में ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों जाएगा और इस 6 सेकंड में सिर्फ ट्रेन, इस 6 सेकंड में सिर्फ ट्रेन। लेकिन समझो यार, ये 6 सेकंड सिंपल नहीं है, यहां पर 12 सेकंड वाले सीक्वेंस में ट्रेन चल रही है, प्लेटफॉर्म रुका है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन 6 सेकंड वाला, इसमें ट्रेन भी चल रही है और आदमी भी चल रहा है। आदमी की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या करना है? मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड हो जाएगी, इस सिचुएशन में स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इस सिचुएशन में स्पीड होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमें पता है 25/2 मीटर पर सेकंड होता है, मतलब 2 सेकंड में 25 मीटर चले आते। अगर 2 सेकंड में 25 मीटर चले, इसका मतलब 6 सेकंड में 75 मीटर चले। बोलो हां या ना? इनका मतलब निकलेगा, बदली कैलकुलेशन ऐसे करते हैं।
चीजें दिमाग में रखो। और सर 45 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड हो गई थी, जो कि 25 फुट है, इसका मतलब 2 सेकंड में 25 मीटर चले तो 6 सेकंड में हम 75 मीटर चले। और इस सीन में जब आदमी को क्रॉस करे तो ट्रेन से काफी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई 75 मीटर होगी। एक और ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है 75 मीटर, इसका क्या निकलो, लेकिन अगर नहीं निकलना है तो वहीं पर और थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये तो 75 मीटर, तीन बात कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं आदमी की। तो एक बात बताओ यार, अगर 36 किलोमीटर की स्पीड से 36 मीटर प्रति घंटा मतलब 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड से अगर आपको 12 सेकंड लग रहा है तो इसका मतलब आप 120 मीटर ट्रैवल किए होंगे। यस सर, अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपको 12 सेकंड लग रहा है, इसका मतलब 120 मीटर ट्रैवल किए। और ये 120 मीटर में है क्या? सर, इस 120 मीटर में ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों है। ट्रेन हमारी 75 मीटर लंबी, मतलब प्लेटफॉर्म 45 मीटर लंबा, खत्म कहानी, पहुंच गया सर। पेन नहीं चलाना, कोशिश करो कि ऐसे बस हल्का पॉइंट लिखो, इतना पॉइंट लिखने तो पेन चलाओगे, नहीं तो गलत कर जाओगे। लेकिन नाम मत लिखना, आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे इतना इतना पेन चलाएंगे, आप भी पढ़ा पेन की बचत करेंगे, देखो पैसे दिखाते हैं। ओके, तो इस सब तरीके से हम लोग काम करेंगे। अच्छी बात, हम लोग 6-7 सवाल लगा चुके हैं, चीजें समझ में आ रही सभी को? ये सब चीजें सभी को समझ में आ रही? बस दिमाग खोल कर रखना है ना, बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत, बस आराम से सवाल सवाल करो, सवाल करो, पैनिक नहीं चलेंगे ना, पैन कम से कम चलाएं, सवाल करो। दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 110 मीटर और 90 मीटर, मतलब दोनों अलग अलग ट्रेनें हैं, एक लंबाई 110 मीटर दूसरी 90 मीटर, एक ही दिशा में जा रही है। तो भाई तुम चाहे सेम डायरेक्शन में जाओ चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, क्रॉस करोगे दोनों की लंबाई जुड़ेगी, लंबाई वाला डिस्टेंस वाला कांसेप्ट क्लियर है? ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम है संजय? आप मुझे सर बहुत प्रॉब्लम होती थी इस कांसेप्ट में, अभी भी प्रॉब्लम है? अगर अभी प्रॉब्लम तो और डिस्कस कर लेते, बताओ मुझे एक बार। अच्छा, तो यहां पर देखिए, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 110 90 मीटर, मतलब ठीक है डिस्टेंस में तुम जुड़ोगे 200 मीटर ही बनोगे, स्पीड में प्लस माइनस का सीन होता है, डिस्टेंस में सिर्फ जुड़ने का सीन होता है, क्लियर? नहीं बात, और अगर चाहो तो पॉइंट लिखते नहीं जाना, ये जो बातें बोलते हैं छोटी, इनको गुणा बनाओ, स्टार बना लिखो, ये पता है जब भी पाता हूं तो ये ऐसे क्यों बना देता हूं, क्योंकि जब पढ़ता था ना तो कब कौन सा बात अच्छा लग जाए वही गुणा बना के अलग से लिखते, दूसरे कहीं पड़ता है, अभी आ गया तुम्हें बात कर जाओ, एक ही दिशा में जारी मतलब डिस्टेंस घटेगी। यदि तेज गति वाली गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो धीमी गति वाली गाड़ी को 140 सेकंड में पार कर, रेलगाड़ी को पार कर लेगी, मतलब डिस्टेंस जुड़ेगी। हां, डिस्टेंस कितनी होगी? 200 मीटर, 140 सेकंड में पार कर रही है, अब 200 मीटर की डिस्टेंस है, 200 मीटर की डिस्टेंस है और ये 144 सेकंड में पार कर रही है, मतलब क्या सर? स्पीड हो जाएगी यहां से पूरी बटे, ये स्पीड निकल जाएगी, ये सब 200 मीटर ट्रैवल किया 144 सेकंड में, तो ये आ गई आपकी स्पीड, रुक जाओ मीटर पर सेकंड में पांच करने दो तो कितना जाएगा, यहां से कुछ पता नहीं, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, यहां पर कुछ थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा है, एक बार फिर से पढ़ो, ये हो गया आपकी 200 मीटर डिस्टेंस एक ही दिशा में जारी, मतलब मजेदार पॉइंट तो ये है, ये वाला लाइन बराबर, चलो सॉल्व करेंगे, 18 से कैंसिल किया 18, 8 144, 8 5 40, 4 5 20, 20 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फाइनली स्पीड कितनी निकल गई सर? फाइनली स्पीड निकल गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा समझो, यार 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकल गई, ये स्पीड है क्या सर? ये तो हमारी रिलेटिव स्पीड है, ये तो हमारी रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि दोनों ट्रेनें ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब ये रिलेटिव स्पीड है, और सेम डायरेक्शन में है तो घटेगी, सेम डायरेक्शन में तो घटेगी, इनका तेज चलने वाली गाड़ी 40 की है, तेज चलने वाली गाड़ी की स्पीड 40 है, रिलेटिव स्पीड 5 है, धीमी वाली कितनी होगी? वैसे 35 होगी, ऑप्शन बी करेक्ट। करो मूव यार दोनों ऑब्जेक्ट, चीजें वही चलेंगी, आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल पर, और जहां पे भी प्रॉब्लम हो तुरंत रुकना है ना, क्योंकि धीमे धीमे लेवल ऊपर होता जाएगा, धीमे धीमे चीजों का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग नौवें सवाल पे, लेकिन लेवल पहले वाले सवाल से कहीं ऊपर पहुंच चुके हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी एक लंबाई अपनी विपरीत दिशा में आती है, रेलगाड़ी की लंबाई से 50% अधिक है, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों रेलगाड़ियों ने एक दूसरे को पार करने में 15 सेकंड लिया, तो दोनों एक दूसरे को पार करने, कीवर्ड कौन कौन से? कीवर्ड एक ही है पहली चीज, ठीक है, दूसरी चीज 40 किलोमीटर प्रति घंटा 32 किलोमीटर प्रति घंटा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी आपकी 40 या 32 या जुड़ जाएगी, आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यस और नो? 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, हम सीधा क्या बोलते हैं 20 मीटर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, एक पॉइंट नोट कर लेना, फिर एक छोटी सी टेबल बना लेना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, 36 10 मीटर पर सेकंड, 45 25 बटे 2 मीटर पर सेकंड, 54 मीटर पर सेकंड, 72 20 मीटर पर सेकंड, 90 25 मीटर पर सेकंड, ये पांच लाइन लिखना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वाली स्पीड यूज करते हैं, है नहीं? तो आपको पता है यूज करते हैं, लिखे ना, उसे क्या करेंगे, आपका टाइम बच जाएगा, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लिख लोगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, जितनी देर में बच्चा 5 मीटर लिखेगा तुम्हारे दिमाग में 20 चल होगा, वो 20 निकालेगा तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली चल होगा, टाइम तो बचेगा, तो इसमें हमने निकाली 20 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड में क्रॉस किया, चाल है 20 मीटर पर सेकंड की, क्रॉस करेगा 15 सेकंड में, इसका मतलब जर्नी कितना, डिस्टेंस कितना, 15 सेकंड में क्रॉस करें, इसका मतलब हमने 300 मीटर इसका मतलब हमने 300 मीटर ट्रैवल किया। अच्छा, 300 मीटर ट्रैवल क्यों किया? क्योंकि वैसे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसलिए उनकी लंबाई के बराबर ट्रैवलिंग हुई, देखो बड़ी खुशी की बात। अब जरा एक बात बताओ हमें, कि जो लंबाई ए की लंबाई है वो बी की लंबाई से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा का मतलब अगर ये दो है तो ए 3 होगी लंबाई में, ये सब 50% ज्यादा, अगर ये दो है तो 3 होगी, अगर दोनों का समान 5 है, 5 बराबर 300 बराबर 60, तो लंबाई बी रेलगाड़ी हो जाएगी 120 की, ए रेलगाड़ी हो जाएगी 180 की, उन्होंने जो पूछा करो, उन्होंने क्या पूछा, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या कीजिए, क्या पूछा, फाइनल लेंथ ऑफ ट्रेन बी, रेलगाड़ी बी, बी की लंबाई पूछा तो बी लंबाई 120, अगर आपसे ए की लंबाई पूछते 180, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले दो व्यक्ति को 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार कर रही है, उसी की बात है ना, बड़ी खुशी की बात, बहुत ज्यादा खुशी की बात, तो रेलगाड़ी की रफ्तार पूछ लिया, रेलगाड़ी की रफ्तार पूछ लिया, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट करके बताओ, सवाल बाद में सॉल्व करना, आंसर बाद में भेजना, पहले हमें ये बताओ कॉन्सेप्ट लगाओगे कौन सा, देखें तो दिमाग कितना फ्लाई तुम्हारा, यहां तुम्हें पहली बार एक चीज बोलिए ना, रटने नहीं आयो, हर सवाल पे हरकतें चाहिए, यकीन मानो चीजें वहीं से बेहतर बनेंगी, तो सबसे पहले हमें ये बताओ इसमें कॉन्सेप्ट तुम लगाओगे कौन सा, जिसको मतलब लगाने के बाद में आत्मा ना एकदम खुश हो, क्या लगाया ऐसा होता है, रियल लाइफ में पॉसिबल, देखते अभी बताओ क्या करना चाहिए हमें, कौन सा कॉन्सेप्ट,
ट्रेन का लेंथ सेम है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्या बात है यार भाई। दो आदमी ट्रेवल कर रहे, दो आदमी को क्रॉस करवाना है, दो व्यक्ति को क्रॉस करवाना है, तो ट्रेन दोनों कंडीशन में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट तो टाइम का रेशियो पलटेंगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा हमारे पास 11:10। स्पीड का रेशियो आ जाएगा 11:10, मतलब पहले आदमी को 11 की स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे और यहां पर 10 की स्पीड से। अब क्या होगा सर, इस 11 में क्या है, इस 11 में है, देखो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग, सेम डायरेक्शन में जा रहे, तो ट्रेन माइनस ए1 ए फॉर आदमी, ये 10 कैसे है सर, ये 10 था ट्रेन माइनस ए2 दूसरा आदमी। हम तरीके सीखते हैं हम तो चाहते हैं ना कि तुम गलती करो, जब गलती करोगे तो और ज्यादा सुधार आएगा। अब ये समझ लो, 100 मीटर और 95 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी जब एक ही दिशा में चलती है तो 27 सेकंड में दूसरे को पार कर, जब विपरीत दिशा में चलती है तो 9 सेकंड में पार करनी। मुद्दा क्या है, पॉइंट बताओ, मैं पॉइंट क्या है, जब सेम डायरेक्शन में जाए तो 27 सेकंड लग रहे, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो 9 सेकंड लग रहा है। क्रॉस तो एक दूसरे को कर रही है ना, पिछले वाले सवाल वाली हरकत होगी यार, होगी नहीं होगी, मतलब दोनों सिचुएशन में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब टोटल डिस्टेंस कांस्टेंट, और टोटल डिस्टेंस कांस्टेंट होगी इसका मतलब ये होगा कि टाइम का रेशियो आपको दे रखा है 3:1 है ना। इधर ऐसे कर लेते हैं, इधर भी आ जाते हैं सेम, ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। तो जब सेम की बात चल रही थी तो आपको लग रहा है 27 सेकंड मतलब 3:1, तो स्पीड कितना हो जाएगा सर, स्पीड आ जाएगा 1:1। फाइंड करो कौन सी स्पीड हो जाएगी आपका आंसर। और सर जब आप ऑप्शन पे गए ना तो सर हमारे सब के सब ऑप्शन सेम रेशियो दे रहे थे, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन जाएंगे तो डिफरेंस कितना होगा 22 26 78 18 54 20 60 1:3। ये रेशियो को उन्होंने पहले पे कर लिया, लड़का अगर प्राप्ति हुआ यहां पे खेलेगा के, उन्होंने ऑप्शन सब के सब ऐसे दे रखे हैं जहां पर ये रेशियो पहले से ही सैटिस्फाइड होते हैं। अब क्या करें, कोई आइडिया लगाओ, खुरापति दिमाग चाहिए।
वही पॉइंट है। तो चीजों को जब हम समझते हैं, आप लोग सब मैथमेटिक्स में मन लगता है, लड़कियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, जैसे मैथमेटिक्स में मन लगता है ना, तुम्हारा मन भी और लग रहा है, हम क्या करें उसमें, मतलब अरे तरीके होते हैं यहाँ पे भी लगेगा। तो वही चीज जब हमें कोई चीज समझ में आती है तो उसका आपको करने में इंटरेस्ट आता है। और मैथमेटिक्स हो गया, मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स पढ़ाता जरूर हूँ, बट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, इतना ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में रीजन होता है जितना मैं फिजिक्स में कर लेता हूँ। फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तो लोग कहते हैं मैथमेटिक्स तुम 100% स्कोर करते हो, ये है बात सही है, इंटरेस्ट इसकी वजह से फिजिक्स में जाता है, फिजिक्स में हर सवाल लगा सकते हैं यार, जिनकी चालू का जो रेशियो है स्पीड है 5:2, मतलब अगर मालगाड़ी की स्पीड 10 मीटर तो सवारी गाड़ी की स्पीड 20 मीटर, सिंपल सी बात है, ठीक है। मालगाड़ी का ड्राइवर ये महसूस करता है कि पीछे से अपनी वाली सवारी गाड़ी उनकी गाड़ी को 7 सेकंड में पार कर लेती है, मतलब क्रॉसिंग टाइम 7 सेकंड दे दिया, पीछे से आ रही मतलब सेम डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन जारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री ये दिखता है स्टार में बस पकड़ गया, सवाल पे स्टार सिचुएशन समझ गया, समझने की कोशिश करना, कुछ बात समझना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत होता है इसलिए इसको थोड़ा सा डीप जा रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन गलत होता है, ये दोनों ट्रेन है, ये दोनों ट्रेन है, एक दूसरे को क्रॉस करने के मोड़ पे, अच्छा समझा, ये दोनों ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, किसी एग्जांपल को दे सकते हैं हमें उस डिस्टेंस का मतलब है, सिर्फ हमें सिर्फ बात करनी है डिस्टेंस की कैलकुलेशन की, इस वाली सिचुएशन में डिस्टेंस में गलती होगी इसलिए इसको थोड़ा सा डीप दे रहे हैं, अच्छा ये सेम डायरेक्शन जाए अपोजिट डायरेक्शन जाए, अगर ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की समझ, ये वाली ट्रेन है T1 और ये वाली ट्रेन है T2, तो डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास में T1 + T2, एक कंडीशन गिरी और ये तो सब सीख चुके हैं। अब इसमें नया पॉइंट ये है कि यहां पर बाबू ने एक बंदा बैठा दिया, ये यहां पर एक बंदा बैठा है गाड़ी में, बड़ी आराम से बंदा बैठा होगा, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, अब बंदे ने देखा कि ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, जैसे कि सवाल में भी आपके लैंग्वेज आया भी था, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो 7 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं, और जबकि सवारी गाड़ी का एक यात्री, ये नहीं नहीं सवारी गाड़ी का एक यात्री, इस बंदे की बात करो, ठीक है, हमारे जो एग्जांपल है इसमें ये वाली मालगाड़ी होगी, सवारी गाड़ी में एक यात्री बैठा, एक बंदा बैठा हुआ है, इसका सीन क्या बनेगा, ये भी तो गाड़ी को देखा, देखो जब ये ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे तो इसका मतलब दोनों लंबाई जुड़ेगी, लेकिन जब आदमी है तो इस ट्रेन में फिर ये ट्रेन नहीं रहेगी, फिर सिर्फ ये आदमी रह जाएगा, और ये आदमी भी मूव कर रहा होगा सेम स्पीड से, जो स्पीड इसकी है वही स्पीड इसकी भी होगी आदमी की भी, समझ में नहीं, ट्रेन में आदमी बैठा दिया तो वो आदमी बस उसकी स्पीड जो है वो ट्रेन की स्पीड के बराबर हो जाएगी, लेकिन रहेगा वो आदमी, वो पूरी मालगाड़ी नहीं बन जाएगी, बात समझाने का मतलब क्या है, अगर ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे तो लंबाई रहेगी डिस्टेंस T1 × T2, लेकिन अगर ट्रेन और आदमी एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं तो आदमी बैठा है T2 में, इसका मतलब ये सिर्फ एक आदमी हो गया, डिस्टेंस होगी T1, मतलब जिस ट्रेन में पॉइंट पकड़ो, जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उसकी लंबाई ऐड नहीं करेंगे, जब आदमी को क्रॉस करने की बात आएगी तो जिस ट्रेन में आदमी बैठा होगा उसकी लंबाई को कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस ट्रेन में अगर हम आदमी की बात करें तो हमने ट्रेन पर काम नहीं किया, ये ओवरटेकिंग कब स्टार्ट होगी, जब ये ट्रेन थोड़ा सा आगे आ जाएगी, जब आदमी यहां पर आ जाएगा तब ओवरटेकिंग स्टार्ट होगी, और जैसे ही आदमी यहां पर पहुंचता है ओवरटेकिंग खत्म, ये सर आदमी को क्रॉस करने का सीन तो यही रहेगा ना, ट्रेन को क्रॉस करने का सीन अलग है वो तो ये आएगा पता है, लेकिन अगर आदमी को क्रॉस कर रहे हैं तो आदमी की ओवरटेकिंग कब स्टार्ट होगी, सर यहां पर जब आदमी आ जाएगा इसका मतलब ट्रेन का इंजन यहां पर होगा, ट्रेन यहां पर नहीं होगी, जब यहां पर ओवरटेकिंग स्टार्ट खत्म हो जाएगी, जैसे आदमी यहां पर पहुंचा तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, बोले दूसरी वाली ट्रेन की, बात समझ में सभी को, ये सब कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए ध्यान रखना कि जब भी दो ट्रेनों की बात होगी तो गाड़ियों की बात होगी, और जिसमें एक में आदमी बैठा होगा, जिसमें आदमी बैठा है तो उसकी लंबाई ऐड नहीं करेंगे, जब कैलकुलेशन आदमी के अकॉर्डिंग चल रही हो, जब ट्रेन को ओवरटेक करवाना तब तो वही सही है, जब कैलकुलेशन आदमी की चल रही होगी तो फिर हम आदमी वाली ट्रेन को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बात क्लियर, अब सवाल को देखते हैं, एक मालगाड़ी सवारी गाड़ी सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड होगी इनकी 1:1 की रेशियो होगी, सेम डायरेक्शन जाए तो उनकी स्पीड होगी 7 सेकंड में, अच्छा और कुछ रखें इनकी लंबाई की रेशियो, अच्छा जब सवारी गाड़ी में सवारी गाड़ी का एक यात्री ये देखता है कि मालगाड़ी 40 सेकंड में पार कर रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही वही सीन है तो मतलब स्पीड आपकी 1 यूनिट की 40 सेकंड में पार कर रहे, इसका मतलब मालगाड़ी आपकी 40 मीटर की, अगर आप 40 सेकंड में पार कर रहे हो, अगर आप मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर रहे हो, दैट मींस कि मालगाड़ी जो है वो आपकी 40 मीटर की है, और अगर आप दोनों ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हो 60 सेकंड में, इसका मतलब दोनों चीजें आपकी 60, मतलब मालगाड़ी 40 मीटर की होगी, दोनों की लंबाई 60 मीटर की होगी, इसका मतलब सवारी गाड़ी होगी आपकी 20 मीटर की, क्लियर है 40 साठ, इन्होंने पूछा है उनकी लंबाई का रेशियो पॉइंट, पहले बात करिए मालगाड़ी की, पहले मालगाड़ी 40 सवारी गाड़ी 20, आंसर 2 से 1, आंसर 2 से 2, ये 40 कौन सा है, बोले आदमी का बैठा है, आदमी का है, बोले आदमी बैठा सवारी गाड़ी, इसका मतलब मालगाड़ी की लंबाई ये 40 सेकंड है ना, ये मालगाड़ी की लंबाई है, बात समझ में सभी, यस और नो, ये वो सभी पॉइंट थे, ट्रेन तुम्हारा खत्म हो चुका है, सिर्फ एक्सीडेंट केस बाकी है, यहां तक चीजें सबको क्लियर नहीं है, यहां तक चीजें सबको क्लियर नहीं, यस और नो, ओके, तो अभी काम करो, सीट आपको प्रोवाइड कर दी गई, मैंने बोल दिया तो सीट पहुंच चुकी आपके पास में, लेकिन जो प्रैक्टिस सीट है जो आपकी उसमें तीनों टॉपिक की मिसलेनियस प्रैक्टिस मिलेगी आपको, तो आप तीनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो उसमें ट्रेन वाली जो भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, सीट सारी प्रोवाइड कर देंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की भी होगी, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करना शुरू कर जाओ, कल इस सीट के बाकी के क्वेश्चन लगवाएंगे आपको, ठीक है। और एक्सीडेंट के सीट ट्रेन के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब कवर करके कल ट्रेन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितनी भी चीजें सिखाई समझ में हो जाएगा, तो कल फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यार तुम लोग एसएससी का पूछ रहे हो, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद इसलिए आज जो तुम्हारी क्लास में लेट हुई ना, ये चीज रखी, मैं खुद बच्चों से बात कर रहा हूँ तुमसे। एक तो दिन भर बिजी रहता हूँ, दिन में टाइम मिलता नहीं, तो शाम को 6 बजे से मेरा यही सीन चल रहा है। एक मेरा स्टूडेंट था पानीपत का, उसका शायद स्कोर था 197, उसका 18 तारीख एग्जाम, जो भी चीज प्रॉब्लम हुई ना 18 तारीख वाले बच्चों की इतनी दिक्कतें आई हैं, क्योंकि उस पानीपत वाले के साथ में सीन ऐसा था कि मतलब उसको मैं अपनी कैटेगरी में रखता था, उसके लिए क्या बोलूँगा वहाँ पे, कोई भी चीज़ होती, कोई भी सवाल होता था आराम से, मतलब ऐसा भी हुआ है जैसे मैं बिजी रखूँ, बच्चे डाउट पूछे हुए कैसे करना है, उसको भेज दिया, मैं सेंड कर दें, ये सीन था, मतलब इतना टैलेंटेड बच्चे हैं। पेपर ने क्या हमें बताया, पेपर में तो कुछ नहीं बोला था, मैंने 15-16 वाले बच्चे थे, यहाँ से नुकसान होगा, पता था नुकसान होगा, इतना गंदा नुकसान होगा नहीं सोचा था। नॉर्मलाइजेशन सही है, रिलेटिव नॉर्मलाइजेशन सही है, लेकिन उसको जिस तरीके से यूज कर रहे हैं वो तरीका गलत है ना, जिस तरीके से वो लोग यूज कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को, कि नॉर्मलाइजेशन को यूज करना चाहिए स्टूडेंट के फायदे के लिए, अगर आप एक दिन में कंडक्ट नहीं कर पाए, नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होना चाहिए, कभी कभी पेपर सिर्फ हार्ड भी आती है, कभी इजी भी आती है, तो नॉर्मलाइजेशन जरूर होना चाहिए, बट जिस तरीके से आप यूज कर रहे हो इसको, आप तो आप लोग अपना फायदा निकाल रहे हैं, बच्चों की बात कोई नहीं है, एक बड़ा गेम चल रहा है, वो गेम चल रहा है जहाँ पे हम लोग छोटे छोटे मोरे भी नहीं है यार, मोरे होते तो कुछ ना कुछ खेलने का राइट होता हमारे पास, भले हम दो कदम चलकर मारे जाते, लेकिन एटलीस्ट दो कदम तो खेलते, तो मैं मोरे भी नहीं बचे, इसमें भी कंडीशन हो चुकी है। इस टाइम पे बच्चे जाते तो क्या समझो, मेरी खुद दिमाग खराब है, मैं सामने बच्चे को बोलूँ तो बोलूँ क्या, अक्सर उसको समझाने की कोशिश कर रहा, एक को समझाओ दूसरे का मैसेज आ रहा, कॉल आ रहा है, बार बार कॉल कर रहे हैं, ना सबकी 8 बजे लगाई, 8 बजे से बड़ा 8:20 किया, मैंने घर क्लास लेते हैं, मैंने कहा नहीं ये लोग भी वेट कर रहे हैं, इनका भी ध्यान रखना है, तुम सब लोग ज्यादा डिमांड नहीं करते हो, ये मैं अपनी क्लास लेता हूँ, मेरी क्लास में इतनी छुट्टियां होती हैं, वीडियो कई बार लेट हो जाता है, तो लोग मैसेज करते हैं सर वीडियो नहीं आया, वीडियो इतना कॉपरेट करते हो, निकाल दे रहे हो यार आदमी, तो ऑपरेशन की खत होती है। हाँ क्या हेलो, अरे बोलेगा क्या हुआ, पाँच वाली साइड पर अभी तो चेक करने 10-15 वीडियो पाएगा, अभी आज मतलब क्या ही बोलूं, मेरा पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा है, मतलब क्या पढ़ो, तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के मैं हमेशा बोलता हूँ इस तरीके से पढ़ाई करना, इस तरीके से मेहनत करना है, 200-200 लेके आना, क्या कर लोगे तुम 200-200 लाके, सिलेक्शन तुम्हारा फिर भी नहीं हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चल पाएगा, आपने अगर केस सोचोगे अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा नहीं होगा, कभी क्या होता है ना, जब आपका हाथ मिलना रहा तो आपको फिर छीनना पड़ता है, तो करना पड़ेगा यार, ये सब चीज रहेंगी, कैसे करेंगे वो सब कुछ बाद में डिसाइड किया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ये सब बातें मैं सोशल मीडिया जाकर नहीं बोलता हूँ यार, इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको भी पता है मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, मेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है, छोटी सी दुनिया है, यहाँ पर गिने चुने लोग रहते हैं, गिने चुने बच्चे रहते हैं, बस उन्हीं के साथ में मस्त रहता हूँ, मगन रहता हूँ, और मैं जब भी आता हूँ हमेशा तो पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो फिर लोगों को डांट रहा हूँ, ओवरऑल कुछ कुछ समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं सब चक्रम नहीं पड़ता, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रखी है कि अब पता नहीं आता कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या, खत्म हो रखा है, सीधी बात है, जब कोई टीचर किसी से जुड़ा हुआ था, इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है ना, एक दो बार मैंने साथ भी दिया, बट मैं उस सब चीजों में इतना इन्वॉल्व नहीं होता, बट आज मेरा सीनियर देख के मुझे खुद समझ में नहीं आया, उस बच्चे के बारे में मैं आपको बताऊं, प्रीमियम उसका 172 मार्क्स है, उसका भी जीएस खराब है, इंग्लिश मेरे से मेरे जैसा ही है, मतलब मैंने कहा दोस्तों मुझे मेरी कॉपी दिखाई पड़ी, और ऐसे एक बच्चे नहीं, उसका इसलिए हमें याद है, उससे हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, वो 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसको लग रहा है डाउट, मैंने कहा डाउट है, बट 19 बहुत अच्छी है, 19 जॉब मिल जाएगा, उसका 19 डिस्क्रिप्टिव चेक में तक नंबर नहीं आया, और ये एक नहीं, ऐसे कम से कम कुछ नहीं होगा, कम से कम 13-14 लोगों से बात कर सकूं, तो वैसे जितने कॉलेज वो तो अलग रहे, मैं 6 बजे फ्री हूं, 6 बजे मैसेज कॉल दूं, यही सब सुनो, यही सब सुनो, सोशल मीडिया पे मैंने एक दो वीडियो वगैरह करके देख रहे थे साथ, मैंने कहा देख लो क्या चल रहा है,
कुछ रिजल्ट निकला, उन्होंने अपने काम करने का तरीका बदल दिया, पहले क्या करते थे लेकर अब वो नहीं करते, अब इधर टाइम कर रहे। आउटपुट क्या है यार? तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो, तुमसे किसी ने बोला अगर ऐसे पढ़ाई करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, तुमने तरीका बदल दिया, रिजल्ट फिर भी वही है, तुम्हारा तरीका बदलने से पहले क्या निकला है? क्यों ट्विटर पर ट्रेंड किया तुमने? इसलिए ट्रेंड नहीं किया था कि हमें सब लोग को सरकारी नौकरी दे, ये भी नहीं, हम लोग इतने खुददार लोग हैं, खुद कमा लेंगे नौकरी, और जब खुद कमा ले तब दे दोगे, लेकिन जब यहाँ पे हम खुद कमा रहे हैं फिर भी नहीं दे रहे हो, पूछे पड़े हो ट्विटर पर ट्रेंड वगैरह की बातें चली, सॉल्यूशन नहीं है, मैं हमेशा काम दूसरे तरीके से करता हूँ, मेरा काम टेढ़ा होगा, पब्लिक में जाके बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर जो भी सही तरीके की बात की जाती है ना, आदमी बोलते चुकी है, और मैं थोड़ी गलत हो गया, सॉरी, इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, मन में तो बहुत कुछ आ रहा है, समझ लो, तुम्हें अगर बताई जाएंगे तो मेरा बेटा है, पब्लिक को वो बातें समझ में आती है जो एकदम गूगल क्रिएट करें, गूगल क्रिएट करने से एक्शन थोड़ी लिया जाएगा। अब रिसेंट बात बताता हूँ, लगभग हो गया 3-4 महीने पहले, एक मेरा दोस्त उसकी कंपनी में जॉब कर रहा था, मेरी कंपनी ज्वाइन किया था, कोविड के बाद ओपन हुआ, इंटरव्यू गया, बैंगलोर की कंपनी थी, ज्वाइन किया, लगभग 2 महीने हो गए उसको सैलरी नहीं दे रहे, 2 महीने हो गए सैलरी दे रहे, वो बंदा हर एक से जाके मिल रहा है, हर एक से बात कर रहे हैं, मैनेजर जो है ये है वो है, कईयों से बात कर चुका है, कोई सैलरी नहीं दे रहा, किसी ने बोला सैलरी मिली, मैनेजर को कंप्लेन कर दो, मैनेजर बिना कंप्लेन कर दो, ज्ञान बहुत मिलता है, सीधी बात बोलो, मेरे को फोन करके लास्ट में फंस गया, निकाल दिया से, उनके बाद के बाद बताइए ऐसी बात है, मेरे से पढ़ो ये मैं पैसा नहीं है, कब मिलेगा ये भी आइडिया, तरीका ना हर चीज़ का, हर एक चीज़ का तरीका होता है, इंडिया सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, संविधान के पर चलो, संविधान नहीं लिखा है ट्रेंड करो, लेकिन संविधान में लिखित जानकारी को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन मेल मैनेजर को सेंड कर, किसी में सब टाइम आते हैं, बात रिमाइंडर डाल देना, अगर फिर भी कोई चीज़ हो तो मेरे को बता, जैसे उसने रिमाइंडर डाला कंपनी समझ गई कोई तरह याद दे रहे हैं, अगले 7 दिन में पेमेंट सबकी ट्विटर पर ट्रेंड करके नहीं होगा, ऑफिस है ना, अरे यहाँ पे आप एप्लीकेशन भेज सकते हो, भेजेंगे ना, क्या क्या करना रहेगा वो एक बार डिसाइड कर, मुझे हवाई बातें करनी है, तो हमें पता है कि हम लोग ज्यादा नहीं है, लोग 150 लोग, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, हम चाहते भी कि ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग आएंगे वो परफेक्ट प्लान नहीं होंगे, किसी अलग तरीके से काम करके काम खराब करेंगे, हम चाहते हैं जो भी 150 लोग हैं बस यही लोग हैं, 100 लोग भी आ जाए बहुत मिलेंगे, 100 लोग मिलेगा क्या जाएगा, मुझे अपना पोटेंशियल पता है, करना किस तरह वो हम देख लेंगे, लेकिन हाँ कुछ प्लान तो करें, शांत रहकर काम करेगा, ये सब चीज़ अवॉइड करो, तुम लोग पढ़ाई पर फोकस करो, मैं देख रहा हूँ लोग पढ़ाई करो, 2-3 दिन 4 दिन 6 दिन बाद जब भी अपना लूंगा आपको बताऊँ बाबू ऐसा काम है, ये काम तुम लोग को करना है, चुपचाप करते वैसा कभी नहीं चाहते, लेकिन लोग इतना मजबूर कर देते हैं, बोले बोल कैसे ये ओनली एसएससी में है, मैं आपको कुछ नहीं पहले की चीज बताऊं, तो धांधली कितनी हो रखी है, मैं इस टाइम पे लुटियंस में रहता हूं, लुटियंस मतलब समझते ना, सेंसर रोड के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर एरिया, दैट इज नोन एज लुटियंस, सरकारी कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालना, थोड़ा सा कहीं और सब लोगों के मुकाबले किसी या फिर ये भी करेगा कि दोस्तों के लिंक कितने हैं, कॉन्टैक्ट कितने हैं, आप जैसे तुम सब लोग जैसे पढ़ जाओगे नौकरी लग जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर मुझे कोई जरूरत पड़ा ऐसी चीज़ वो पहले तुमसे करें, तो तुम्हारी जितनी सामर्थ होगी तो मैं वहाँ तक तुम्हें रखा, मैं ज्यादा उनकी बात नहीं बताऊँ, 2021 में एग्जाम होगा रेलवे में, अहमदाबाद और महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, इतना एग्जाम था, बस शांत रहने की आदत है, बोलता नहीं कभी कुछ, क्योंकि मुझे अपने काम में बिजी रहना अच्छा लगता है, मैं अपने काम में बिजी रहता हूँ, तुम लोगों ने देखा आए पढ़ाई मस्ती करके लोगों के साथ में फिर चुपचाप अपने काम में बिजी, दुनिया बहुत चलता रहता है, मुझे कहते यूट्यूब वीडियो डालो, यूट्यूब वीडियो डालने जाऊँ तो बस जाकर 20-25 मिनट का पढ़ाई चला, मैं 10-15 दिन में कभी टाइम मिल गया, मुझे नहीं पढ़ना इस चक्कर में, बहुत अलग टाइप का रहने वाला आदमी, यूट्यूब पर बढ़िया हेयर स्टाइल डिजाइन कर रहा है, हमें देखो क्या कैसे भी तुम लोग हमारी देखने थोड़ी नहीं पढ़ने आए, बहुत अलग चीजें हैं मेरी, लेकिन अभी सब्र नहीं है, लिमिट है जिंदगी, क्या पढ़ो तुम लोग, मेरा मन नहीं कर रहा है, सच्ची बता रहा हूँ पढ़ाने का, ऐसे तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ये जरूरी है, हाथ खुली जैसे हाथ खुली जैसे है, ऐसे नहीं है डायरी बना रही, इसलिए बढ़ गई है, हमें कभी भी इन सब चीजों का सौंपे तो बस फरमाइश आती है, बोले ऐसे कर लो कर लेते हैं, तुम खुश हो तुम खुश हो हम खुश है ना, बाकी हमें क्या है, ऐसे बहने के पैसे, अब तुम लोग का क्या होगा, अब तुम लोग का कुछ नहीं होगा, जब भी किसी चीज को लेकर के आदमी रिस्पॉन्स करने लग जाता ना, अभी तक जो भी चीजें थी हम लोग प्यार से आवाज खा रहे थे, कई चीजें कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग जब बहरे होकर बैठ जाए ना, तुमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, शेखर है जो भी है, आप लोगों से इसलिए बोलूँगी आप लोग पढ़ेगा, सोचने दो मैं क्या करना चाहिए, और जैसे सोच लेता हूँ आप बताएंगे आप लोगों को ये करना है, और सिर्फ बताएंगे नहीं, इनिशिएटिव भी हम ही लेंगे, सपोर्ट तुम लोग का चाहिए, और मैंने बताया मुझे सपोर्ट में लाखों हजारों नहीं चाहिए, मेरे पास में तुम 150 हो ना, मेरे पास सिर्फ 100 आ जाओ, मैं 100 से महाभारत जी, ये मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, मुझे पता है मेरा पोटेंशियल क्या है, आप लोगों को पता है मेरे मन में कई बार आता है, जिन लोगों से आप लोग बोलते ना कि लोगों का सिलेक्शन हो गया जरा सा है ना, एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए, आप इंटरव्यू लगवा रहे हो, अच्छी बात कराओ, लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज बोलूँ, सही गायक बच्चे को सही गायक, आप लोग मुझसे पूछो ना सर 200 कैसे लाए, मैं हमेशा रिप्लाई करता, मुझे पता है आपने आज से पूछा था यार 3 साल पहले जब मैंने 2016 का एग्जाम 17 में आया था, मैं 200 लिखा था, चाहे तब किसी ने पूछा हो या आज पूछे, मेरा रिप्लाई लिखा था कैसे लिखा है, प्रैक्टिस कौन से बच्चे से सीखे, प्रैक्टिस की थी, प्लान करके नहीं आता कि 200 स्कोर करना है, प्लान यह था 190+ जाना है, 190 से नीचे नहीं आना, ये प्लान था, 200 का कोई प्लान नहीं था, जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे जिस सोसाइटी में रहता हूँ यहाँ पे नॉर्मल लोगों को एंट्री अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बेस्ट ऑफिसर लोग आ सकते हैं और किसी को परमिशन नहीं है यहाँ पे,
साथ बैठता हूँ, किसी के साथ बैठता हूँ, उतना बैठना होता रहता है। मंत्रालय बड़े ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी कौन होता है, जो आईएएस बनते हैं वो प्रमोशन होते बुढ़ापे में जाकर सेक्रेटरी बनते हैं। समझ लो कितनी बड़ी पोस्ट यार, उनकी सैलरी होती है 2.5 लाख के ऊपर, लेकिन कितने प्रमोशन लगने के बाद तुम पहुंचोगे। मेरे मन में कई बार है यार इन लोगों से तुम्हारी बात करवाई जाए, जब तुम लोग इन लोगों से बात करोगे आपको पूरे डिपार्टमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक मिनट हो सकता है ना, आज अटेंड करूंगा मैं सब, हाँ जी बाद में बात करूंगा क्लास में, आज तुम बच्चों के लिए परमिट है और कोई फोन आएगा किनारे
दोनों ट्रेनों की अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, सब पूछ लिया आपसे, सब पूछ लिया तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
और 600 साल तो हम 88 से भी पिक करेंगे, 11 को काटने वाला हमारे पास कोई है नहीं, आंसर में तो 11 जाएगा। चलो सब कर चुका है, 27 हमने पिक कर लिया, बढ़िया चीज है। आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, सीधा बोल रहा हूं, आज नहीं लग रहा है कि कुछ भी हम कर पा रहे हैं। अच्छा अब ये सवाल देखो ना, कितने खंबे गिरेगा ये सवाल, एक आपको मैंने कई बार कराया है इसका सवाल है ना, एक गलती होगी वो गलती मत कर, इस सवाल में सिर्फ एक गलती होगी गलती मत कर, तुम्हें पता है कौन सी गलती की बात कर। दो बिजली के खंबे के बीच की 60 मीटर, एक ट्रेन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपसे पूछ रहा है 3 घंटे में कितने खंबे गिरेगा, तो 3 घंटे में 60 के हिसाब से 180 किलोमीटर, यस और नो? और ये 180 किलोमीटर कितना हो जाएगा बोले सर, 180,000 मीटर, यस और नो? 180,000 मीटर हो जाएगा। अब हर एक खंबे के बीच की डिस्टेंस 60, तो आंसर कितना हो जाएगा आपको सर, 180,000 मीटर डिवाइडेड बाई 60 कैंसिल करेंगे, 10 से 1 खत्म हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगी और 6 18, 3,000 गैप बनते, 3,000 गैप बन जाएंगे, तो खंबे कितने के लोगे, तो खंबे कितने आ जाएंगे, तो आपको सर खंबे आ जाएंगे 3,000, तो खंबे हो जाएंगे और एक स्टार्टिंग वाला खंबा रहेगा उसको काउंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, तो आंसर हो जाएगा 3,000 एक खंबे, 3,000 एक। ये स्टार्टिंग वाला गणित पता है ना क्या है, जैसे अगर मैं आपसे कहूंगी एक प्लॉट है 10 मीटर का, एक प्लॉट है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, मैं आपसे कहूंगा कि इसमें 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे आपको पेड़ लगाना है, घर पे सब लोग पेड़ लगाते हैं, मेरे गांव में भी बड़े-बड़े घर पे पेड़ लगे हुए हैं, तो इस प्लॉट के इस लाइन पे आपको पेड़ लगाना है 2-2 मीटर डिस्टेंस पे, तो आप कैसे लगाओगे, तो सर पहला पेड़ तो यहां लगाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यार गैपिंग तो आपने 2-2-3 रखी ना, तो गैपिंग तो हमें 5 ही मिला, लेकिन पेड़ से कैसे लगे, क्योंकि जब गैपिंग पे काउंट करते हैं तो हमारी काउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है, हम हमेशा पहले वाले को छोड़ देते हैं, ये 5 काउंट हुआ, काउंटिंग में पहला वाला काउंट, तो 3,000 आपने गैपिंग निकाली ना, तो ये खंबे के बीच 3,000 गैपिंग मिली, तो 3,000 तो खंबे मिले, लेकिन स्टार्टिंग वाले काउंटिंग में छोड़ दिया था, तो वो भी एंटर करके खंबे कितने निकले, 3,000 बात समझ में, 3,000 एक, आज मेरे समझ में यही चल रहा है, दिल्ली से सुबह आठ बजे चलती है 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। छह घंटे बाद इसमें यहाँ पर आ गई खराबी, एक्सीडेंट हो गया होगा या कुछ बोलते खराबी, और जिस वजह से अपनी चाल के 2-3 चाल से आ गई और यहाँ से फिर इसने चलना शुरू किया और ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची, यहाँ पर 40 की 2-3 हो गई, जो भी इसकी चाल थी उससे अब 2-3 चाल से चली, चलिए कोई बात नहीं, अब देखते अभी है ना, देखते अभी बात को, ओके। तो अब क्या रहा कि दिल्ली से ट्रेन चली 6 घंटे चलती आराम से, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, इसमें कोई खराबी आ गई, तो अभी अपनी चाल से 2-3 चाल से चल रही, सवाल मैं बात बड़ा करूंगा, समझा और जाकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची, और जब डेस्टिनेशन पर पहुंची तो 40 मिनट लेट हुई, 40 मिनट लेट, समझे, अगर वह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, मतलब जहां पे खराब हुई है, अगर ये ट्रेन यहां पर खराब ना होकर, ये ट्रेन दिल्ली से चलती और यहां पर खराब ना होकर 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, अगर मैं कंपेयर करूं ना यहां से, तो यहां पे आपकी ट्रेन खराब हुई, लेकिन नहीं, 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती और इसके बाद फिर वही अपनी 2-3 चाल से चल रही होती और जाकर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती, तो वैसे 30 मिनट लेट होती, ये सवाल नहीं पूछ सकता, इसी तरीके से सवाल आता है एक्सीडेंट वाले केस का, सवाल इसी तरीके से आता है, यस और नो? एक्सीडेंट वाले केस का सवाल इसी तरीके से आता है सबका, अब सीन क्या है वो समझे, सवाल में कौन कैसे करें, वही पकड़ना, बोले सर यहां पर ट्रेन की जो स्पीड है अगर हम 3x माने तो ये डॉटेड वाली जो स्पीड है ये 2x है, अंडर गुड, बोले सर यहां पर ये पूरी जो स्पीड है अगर ये 3x है तो ये डॉटेड वाली स्पीड 2x है, बोलो हां या ना, इन्होंने साफ साफ बोला कि 2-3 चाल से, बात समझ में आ रही सभी को, सभी को बात समझ में आ रही मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हो, अब यहां पर ये देखो यार चीजें अलग कहां से हुई, यहां पर आपसे कह रही 40 मिनट लेट, यहां पर 30 मिनट लेट, 10 मिनट का अंतर क्यों पड़ा, आप कहोगे सर ये 10 मिनट का अंतर पड़ रहा है इस सेक्शन की वजह से, बाकी सब तो पूरे दोनों सेक्शन में सेम है, ये तो एक सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है ये डिफरेंट है, देखो इस वाली सिचुएशन में ट्रेन की स्पीड यहां पर 3x, इस वाली सिचुएशन में भी ट्रेन की स्पीड 3x, यहां पर इस सिचुएशन में ट्रेन की स्पीड 2x, यहां पर भी ट्रेन की स्पीड 2x, और ये सब कुछ तो सेम है, सिर्फ डिफरेंट हुआ यहां पर कि यहां पर ट्रेन की स्पीड 2x है और यहां पर ट्रेन की स्पीड 3x है, और सिर्फ इस डिफरेंस की वजह से ही ये 10 मिनट का फर्क है, अगर ये दोनों भी सेम हो जाते तो कोई फर्क बनता फिर दोनों में, यहां पर पहुंचे उतना ही लेट, लेकिन यहां पर अगर 10 मिनट पहले पहुंचे क्यों पहुंचे, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने 2x की बजाय 3x से ट्रैवल किया, करेक्ट, यस और नो? तो अब हमें डिस्कस करना है इधर इस चीज को, डिस्टेंस 200 किलोमीटर यहां पर भी है तो ये वाली डिस्टेंस भी 200 किलोमीटर ही होगी, अब एक बार आप डिस्टेंस चल रहे हो 200 किलोमीटर की 2x की स्पीड से, और एक बार आप ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो 3x की स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इस 200 किलोमीटर की बात करूं मैं, और सवाल को तो देख ही नहीं रहा, मैं सिर्फ उस सवाल को देख रहा हूं जहां पर आपसे बोला जाए कि ये ट्रेन इतने किलोमीटर आगे खराब हुई होती, मैं सिर्फ उस लाइन को पकड़ूं, क्लियर है, तो हमने 200 किलोमीटर वाली लाइन पकड़ी और हमने कहा 200 किलोमीटर में एक बार स्पीड हमारी 2x है और दूसरी बार स्पीड हमारी 3x है, तो दूसरा वाला टाइम का रेशियो क्या होगा, दोनों जगह पे 200 किलोमीटर की बात है, इसका मतलब टाइम का रेशियो 3:2, टाइम का रेशियो 3:2 है, दैट मींस हमारे यहां से हमारे अकॉर्डिंग यहां पर टाइम का डिफरेंस 1 का है, हमारे अकॉर्डिंग टाइम का डिफरेंस यहां पर 1 का है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मिनट का डिफरेंस क्रिएट कर गया, यस और नो? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर निकला यहां पर 3 मिनट टाइम लग रहा है, यहां पर 2 मिनट लग रहा है, नहीं यार 10 मिनट का डिफरेंस दे रहा है, दैट मींस यहां पर ये डिस्टेंस 30 मिनट में ट्रैवल की गई होगी और यहां पर ये डिस्टेंस 20 मिनट में ट्रैवल की गई होगी, बोला हां या ना, सही या गलत, एक बराबर अगर 10 मिनट का डिफरेंस आ रहा है तो ये वाली डिस्टेंस 30 मिनट लगेगी, ये वाली स्पीड से 20 मिनट लगेगी, दैट मींस ये डिस्टेंस इधर पे 30 मिनट में ट्रैवल होगी यहां पर 20 मिनट, अब देख बस समझ में, अभी पूरा डिटेल निकाल के रखा हूं, फिर आपको सिर्फ वो बताऊंगा कि अब तुम्हें ये करना है, अभी पूरा सवाल की थिंक सोचो, क्लियर, अब यहां पर ये बाबू कि अगर आप सही स्पीड से जो एक्चुअल स्पीड है, जो एक्चुअल स्पीड है वहां से अगर देखा जाए, देखो 10 मिनट इतने बड़े सेक्शन से अगर 10 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो या
आपने सिर्फ 200 किलोमीटर अगर सही स्पीड से ट्रैवल किया तो 10 मिनट कम हो गया, अगला 200 सही स्पीड से ट्रैवल कर लेते 10 मिनट और कम हो जाता, फिर और कम, फिर और कम, तो ये 30 मिनट को कवर अगर कर लेते तो इसका मतलब 600 किलोमीटर अगर हम सही तरीके से ट्रैवल कर लेते तो बन जाता काम हमारा या नहीं, या फिर पूरा अगर हम निपटा दें पूरा हम से चले तो अगर 10 मिनट की वजह से 200 किलोमीटर का फर्क पड़ रहा है तो 40 मिनट 800 दैट मींस जो एक्सीडेंट हुआ पहला उसके बाद की लेंथ कितनी होगी आपको 200 800 किलोमीटर, एक्सीडेंट रखा था उसके बाद की डिस्टेंस हम कितनी हो जाएगी 800 किलोमीटर, इज इट ओके, यहां तक क्लियर किया, अब 800 किलोमीटर तो निकाल लिया। अब दूसरी एक बात और करते हैं, ये ओरिजिनल स्पीड है, इस ओरिजिनल स्पीड से आप 20 मिनट में 200 किलोमीटर जा रहे, इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड कितनी हो जाएगी आपको सर 20 मिनट में 200 किलोमीटर तो 60 मिनट में 600 किलोमीटर, तो ओरिजिनल स्पीड निकल के आ जाएगी 600 किलोमीटर पर आर। आपको बोला कि ओरिजिनल स्पीड से तो 6 घंटे चल चुकी थी, तो 6 घंटे चल चुकी मतलब ये सेक्शन आ जाएगा 36, आपको पता है ये सेक्शन 36 ये सेक्शन 200 ये वाला सेक्शन 600 निकाल लिया, आपसे बता पूछा गया पूरी जर्नी कितनी 36 और 8 4400 ऑप्शन सेकंड करेक्ट, 36 और 8 4400 ऑप्शन सेकंड करेक्ट। इसी सवाल को मैं जस्ट एक अगली स्लाइड पर लगा रहा हूं, अभी तक सवाल आपने छोटा देखा था, अब सवाल बड़ा अब देखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4400 दिल्ली से आगे कितना दूर है वैसे 4400 सिर्फ दो कॉन्सेप्ट लगे, पहला कॉन्सेप्ट लगा कंपैरिजन, पहला कॉन्सेप्ट लगा कंपैरिजन, ये सब कंपैरिजन करके हमने दूसरा वाला एरिया निकाल लिया, कंपैरिजन लगा, दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, उसे दूसरा कॉन्सेप्ट लगा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट मेथड, और यार ये चीजें तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके ना तुम्हें, ये सब कंपैरिजन भी हम सिखा चुके हैं, हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी सिखा चुके हैं, इसी से हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब चीजें तो बड़ी पढ़ाई बस उनको हमें सही तरीके से अरेंज करना, अब करना कैसे है पूछो, ये तो आपको डिटेल समझ में डिटेल समझ में आएगी, डिटेल में एक बात अब करना कैसे उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, सवाल में आपसे क्या बोला कि ट्रेन जब एक्सीडेंट हो गया सीधा यहां पे बस आप ये दो लाइन में फिगर बना लें, इस तरीके से दो लाइन का फिगर बना लेना आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां पर ट्रेन ये गई यहां तक, इसके बाद में इसकी चाल हुई खराब और ये डेस्टिनेशन पर पहुंची, दूसरी सिचुएशन में ट्रेन यहां तक गई चाल खराब और ये डेस्टिनेशन पर पहुंची, क्लियर, ये कंपेयर कर लेना, यहां पर 40 मिनट लेट, ये आपके समझाने के लिए रहेगा, धीमे धीमे दो तीन बार सवाल लगाओगे तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी स्टार्टिंग लेवल भी है इस पर साथ में सब बराबर है, ओके, बोले जो भी प्रॉब्लम एरिया है, प्रॉब्लम एरिया है 200 किलोमीटर, प्रॉब्लम एरिया है 200 किलोमीटर का, यहां पर स्पीड हमारी एक बार 2 है और एक बार 3 है, क्लियर, और सिर्फ इसकी वजह से 10 मिनट का डिले हो रहा है, तो 10 मिनट का डिले की वजह से 200 किलोमीटर की डिस्टेंस निकल गया है, 200 किलोमीटर पर हमें 10 मिनट का डिले मिल रहा है 2 और 3 की लंबाई चाल से, तो अगर 2 या 3 की चाल से अगर 200 मिनट का डिफरेंस मिल रहा है तो सीधे हम बात करेंगे स्पीड ऑन 200 किलोमीटर, स्पीड का रेशियो एक बार स्पीड हमारे पास में 2 की है और एक बार स्पीड 3 की है, तो टाइम का रेशियो उससे टाइम का रेशियो 3:2 एक बराबर 10 मिनट, यस और नो, इसका मतलब ये वाला सेक्शन आप ट्रैवल कर रहे थे 30 मिनट और ये वाला सेक्शन आप इधर से ट्रैवल कर रहे थे 20 मिनट, समझना जरूरी है 15 मिनट का डिफरेंस कवर करने के लिए कितना ट्रैवल किया, 15 मिनट का डिफरेंस कवर करने के लिए कितना ट्रैवल किया, बोले सर 90 किलोमीटर, 15 मिनट 30 मिनट यहां पर है 45 मिनट यहां पर है, 15 मिनट का डिफरेंस कवर करने के लिए कितनी ट्रैवलिंग करी 90 किलोमीटर, ये पूरा 45 मिनट का अगर डिफरेंस हटाना होगा तो 15 या 45 9 या 27 270 किलोमीटर ट्रैवल करते, अगर ये पूरा डिफरेंस हटाना 45 किलोमीटर का तो 270 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करोगे, 270 ये 200 ये आंसर 470 कहां पे डी ऑप्शन करेक्ट है, कंपैरिजन वहां से पॉइंट हो गया, तुम्हें समझाया पॉइंट वहां से पिक करोगे, क्या पिक करना है फिर से समझो पिक क्या करना है, बोले सर हमें ये देखना है एक बार 45 मिनट लेट पहुंचे एक बार 30 मिनट लेट पहुंचे, 15 मिनट का डिफरेंस कवर किया किस वजह से, बोले सर 90 किलोमीटर चले, हमने कहा ठीक
कितना डिले कर रहे पहले एक्सीडेंट में, पहले एक्सीडेंट में कितना डिले कर रहे हैं, 45 मिनट का डिले कर रहे हैं, ठीक है 45 मिनट का डिले कितनी देर में कवर होगा, 270 किलोमीटर, 270 है, 245 चुके आंसर 470, ये है ट्रेन, ये एक्सीडेंट है, दो लाइन में, हो गया, स्पीड निकालनी है यार, स्पीड निकालनी है, कैसे निकालते हैं, बोले सर इसमें स्पीड निकालेंगे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, लेंथ निकालेंगे कंपैरिजन, स्पीड निकालेंगे प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट क्या लगेगा, बोले सर बात करेंगे 90 किलोमीटर पे, 90 किलोमीटर का हमें पता है, स्पीड के बारे में अगर बात की जाए तो 4/5 चाले एक बार तो इसका मतलब 4/5 है, दैट मींस टाइम कितना है, बोले सर टाइम यहां से लग रहा है 5/4 हमें पता है ओरिजिनल 4 है, 4/5 लगती है तो मतलब डिनोमिनेटर भी 4 ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल के अकॉर्डिंग आपको 4 यूनिट टाइम लग रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस 15 मिनट का है, 1 यूनिट का डिफरेंस 15 मिनट का है तो 4 यूनिट का डिफरेंस 60 मिनट का हो जाएगा, यस और नो, 1 यूनिट का डिफरेंस 4 यूनिट का डिफरेंस 60 मिनट का हो जाएगा, दैट मींस ओरिजिनल स्पीड से ये डिस्टेंस 60 मिनट पर ट्रैवल की गई, इसका मतलब स्पीड 90 किलोमीटर पर, आपको ये सब करने की जरूरत है, डिस्टेंस निकालना है कंपैरिजन, स्पीड निकालना है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, खेल कहां पे खेला जाएगा, मतलब पूरा खेल यहां चलेगा, इस तरह ये अलग पोस्ट है, ये सेम है, ये सेम है, तो वहाँ खेलेंगे, खेल यहाँ पर, बात समझ में आई सभी को, ये सब सब का गया, तुमको तो ट्रेन वाला टफ लगता था एक्सीडेंट वाला, एक और है, एक और प्रैक्टिस बात है ना, तो समझ में आई, तुम फोन करके प्रैक्टिस वाले में से एक्सीडेंट वाले और निकाल लें, देखो शायद दो तीन एक्सीडेंट करवा दिए हमसे, एक्सीडेंट अभी भी है, बस ट्रेन वाली है, इस बार मोटरसाइकिल का चलेगा, मुझे खराब हो गया, दो बार ट्रेन का एक्सीडेंट करवा चुका हूँ, खर्चा भी होता है ना, इस बार ट्रेन वाला नहीं है, इस बार मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट है, एक मोटरसाइकिल सवार को ए से बी तक 230 किलोमीटर की दूरी तक, निश्चित दूरी तक करने के बाद मोटरसाइकिल खराब हो जाती है और वह अपनी प्रारंभिक चाल के 3/4 से चल रहा है, 3/40 स्पीड कर दी उसने, फिर अभी क्या बोले 1 घंटे देरी से पहुंचा, अगर वह 30 किलोमीटर, अगर यदि मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर और चलने के बाद खराब होती, मतलब हमारे काम का एरिया मिल गया तुम्हें, हमारे काम का एरिया तुम्हें मिल गया या नहीं, 30 किलोमीटर वो डिस्टेंस है जो खेल खेलेगी, यस और नो, पकड़ लिया इसको, बोले 30 किलोमीटर बाहर ले जाओ, चलो ठीक है, यहां पर 1 घंटा देरी से पहुंचा था, अगर खराब हुई तो मैं 12 पहले से 12 मिनट पहले पहुंचा था, पहले से 12 मिनट पहले पहुंचा था, मतलब 48 मिनट का टाइम फिर मिलेगा, डिफरेंस किसके कितना क्रिएट हुआ, बोले सर 12 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हुआ, पहले 1 घंटा लेट पहुंचे, अब पहले से 12 मिनट पहले पहुंचे, मतलब ओवरऑल अभी भी आप 48 मिनट लेट ही हो, ये चीज तो नहीं, अब आपसे क्या पूछा, व्यक्ति की चाल बताओ, चाल के लिए क्या करना है, कंपेयर वो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट, 30 किलोमीटर की जर्नी पर खेल खेला जा रहा है, यस और नो, 30 किलोमीटर की जर्नी पर डिस्टेंस पर खेल खेल रहे हैं, आपसे बोलते हैं कि स्पीड जो है एक्सीडेंटल स्पीड है 3 और इसका स्पीड है 4, इसका मतलब टाइम कितना लगना चाहिए, आपको उसे टाइम लगना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 4:3 हमारे हिसाब से डिफरेंस, एक क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस जनरेट हो रहा है 12 मिनट का, तो किसी को भी फाइंड कर लो, ये आ जाएगा 36 मिनट, मतलब आप ओरिजिनल स्पीड से 30 किलोमीटर की जर्नी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 36 मिनट में कवर कर रहे हो, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 36 मिनट में अगर कवर कर रहे हो तो स्पीड कितना आपका, आपको सर यहां से स्पीड आ जाएगा दूरी बट इस समय और समय को मेंटेन कन्वर्ट करेंगे 12 + 36 12 × 5 = 60 कैंसिल करेंगे आंसर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका ऑप्शन है इकलौता ऑप्शन है 80 वाला, इकलौता ऑप्शन 80 किलोमीटर, अब यहां पर दूसरा काम कर लो, उन्होंने क्या पूछा कि गाड़ी तो उसकी बाइक खराब हो गई, कब उसकी गाड़ी खराब होगी, 30 किलोमीटर की वजह से 12 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 30 किलोमीटर की वजह से 12 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मेरे भाई हमें कितना डिफरेंस रिमूव करना है, हमें डिफरेंस रिमूव करना है 1 घंटे वाला ये बवाल बना हुआ है, अगर 30 किलोमीटर पे हम 12 मिनट का डिफरेंस रिमूव कर सकते तो 60 मिनट का डिफरेंस आने के लिए हमें 150 किलोमीटर पर काम करना पड़ेगा, और इन्होंने कहा जर्नी तो पूरी 230 किलोमीटर की है, ये 150 किलोमीटर हमारे गलत वाले हैं, इसका मतलब 80 किलोमीटर गाड़ी सही सलामत चली थी, ऑप्शन थी करेंगे, ये कंपैरिजन, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, एक्सीडेंट में कोई प्रॉब्लम किसी को 50 वगैरह 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 समझ में, एक सवाल लगा सकते हो, फिर से ध्यान कर लो, स्पीड चाहिए प्रोडक्ट कॉस्ट अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस की काम बात करोगे कंपैरिजन भेजेंगे, यही गलत है, समझो इस चीज को एक बार फिर से रिलाइज करो, एक बार पकड़ लेना बात को, हो जाएगा 4:3 तुम्हारे हिसाब से 1 घंटे का डिफरेंस है क्वेश्चन के हिसाब से आधे घंटे का डिफरेंस है
हमारे हिसाब से एक घंटे का डिफरेंस क्वेश्चन के हिसाब से आधे घंटे का डिफरेंस है तो तीन बराबर हो जाएगा तीन बटे दो घंटे का डिफरेंस। अब अगर 150 किलोमीटर ओरिजिनल चाल से ढाई घंटे में 150 किलोमीटर अगर ओरिजिनल चाल से अगर आप डेढ़ घंटे में ट्रैवल कर रहे हो तो इसका मतलब स्पीड कितनी 150 किलोमीटर अगर डेढ़ घंटे में तो ओरिजिनल स्पीड 100 किलोमीटर पर आर बोलो हाँ या ना ओरिजिनल स्पीड 100 किलोमीटर पर आर है देखो क्या है मैं इधर पे 1000 देख रहा हूं 1000 की स्पीड 100 किलोमीटर सिर्फ एक में दिख रहा है एक बार तो खत्म कहानी चलो भाई हमें ये तो निकालने के 100 किलोमीटर पर आर समझ में आ गया सर जी करना है दूसरी चीज ये तीन घंटे अगर हम बात करें इस तीन घंटे के ऊपर तो आपको सर ये तीन घंटे 100 के अकॉर्डिंग 300 किलोमीटर का सफर तो नॉर्मल सुकून से तय हो गया 300 किलोमीटर का सफर तो सुकून से तय हो गया उसके बाद झंझट वाली चीज शुरू मैंने कहा ठीक है 150 किलोमीटर की वजह से आपने आधा घंटा यूटिलाइज कर लिया 150 किलोमीटर की वजह से आपने आधा घंटा यूटिलाइज कर लिया था आपको तीन घंटे यूटिलाइज कर लिया तीन घंटे काम को तुम्हें चार दिखेगा लेकिन हमें तीन दिख रहे क्यों हमें घंटे को खत्म कर सकते तो 150 किलोमीटर की वजह से आधा घंटा यूटिलाइज हुआ था हमें तीन घंटा यूटिलाइज करना है छह घंटा यूज करना है 900 किलोमीटर चलना तो 900 वाला 300 ये टोटल जर्नी 1200 किलोमीटर अब समझ में आया या नहीं आया कितने लोगों एक भी बंदा ये बताओ कि अब समझ में नहीं आया फिर और समझे समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया यस और नो समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे और चीजों को देखेंगे ओके चलो आज मेरे हिसाब से इतना बहुत है ना आज का सेशन फिर यहीं पे ओवर कर रहे हैं कल हम लोग बोट एंड स्टीम पढ़ेंगे तो संडे कल आराम करूंगा आराम करूंगा कुछ ना कुछ दिमाग लगाऊंगा तो कल तो थोड़ा सा छुट्टी लगता है मंडे को हम लोग बोट एंड स्टीम पढ़ेंगे और बोट एंड स्टीम को फिर कंप्लीट करके हम लोग प्रैक्टिस मोड पे चलेंगे तो हम लोग आगे की चीजें देखेंगे तो इसी मंथ में आपकी एडवांस स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक कंप्लीट करते जाएंगे इसी मंथ में ओके आज का सेशन फिर ओवर करें यहाँ पे कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कल मतलब मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे तो ध्यान रखो अपना।